हेलो दोस्तों, मैं रजनीश तिवारी आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ नोबेल पुरस्कार का अगला भाग लेकर। आपने इतना मुझे अंतिम बार इतना प्यार दिया, इतने लोगों ने देखा और इतने सब्सक्रिप्शन बढ़े, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अभी नोबेल पुरस्कार का ही अगला भाग लेकर आया, आधा भाग कराया था कि उसके बारे में बताया, इंट्रोडक्शन कराया कि इसकी कैसे शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत की गई, ऐसा क्या हुआ कि नोबेल पुरस्कार शुरू करने की जरूरत पड़ गई, तो उसके बारे में बताया था। और आज आगे और लेकर आया हूँ नोबेल पुरस्कार, आज पूरा फिनिश कर दूंगा। तो इसको आज पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार आता रहता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में समझते ना कि एग्जाम में लगातार यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी, जो लास्ट टाइम बताया था, ये टी शर्ट जो आई हुई है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है, अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म जो इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहां से आया हुआ। तो उससे मैंने बताया था कि मैं अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी आपसे जुड़ने वाला हूँ और मैं 1 और 2 नवंबर को अनअकैडमी पर आने वाला हूँ। वो जो क्लासेस रहेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और 1 और 2 नवंबर को मैं जैसे आऊंगा तो उससे पहले ही मैं आपको मैसेज कर दूंगा या ऑनलाइन आकर मैं बता दूंगा। तो आप वहां आकर के क्या कर सकते हैं, 1 और 2 नवंबर की क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, उसको आप देख लीजिए आकर। तो मैंने ये भी बताया था कि अनअकैडमी पर जब आप जाएं तो आपको यदि पेड कोर्स लेना है प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप रजनीश 12935 जो मेरा रेफरल कोड है उसे यूज कर सकते हैं और उसे यूज करके आप इंडिया के बड़े बड़े टीचर से पढ़ सकते हैं। वहां इंडिया के जो बड़े टीचर्स हैं वो अनअकैडमी से इस समय 10,000 एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, तो उनसे आप पढ़ सकते हैं, उनसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये रजनीश 12935 रेफरल कोड यूज कर सकते हैं और ये 1 और 2 नवंबर की क्लासेस तो आपको याद ही रखना है कि मैं 1 और 2 नवंबर को अनअकैडमी पर आने वाला हूँ। ये इसका कोई चार्ज नहीं होगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आज नोबेल पुरस्कार के बारे में आगे बात करने वाला हूँ कि लास्ट टाइम बता रहा था कि 2 बार नोबेल पाने वाले व्यक्ति, जिन्हें 2 बार का मतलब जिन्हें 2 क्षेत्रों में या 2 बार नोबेल मिला है, वो व्यक्ति सिर्फ 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे, सिर्फ 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। एक बार इसको याद करने के लिए मैडम जॉन फ्रेंडली हैं, मैडम क्यूरी, जिनको भौतिकी और रसायन में मिला सन 1903 में और 1911 में। 1903-1911 में मैडम क्यूरी, जिनको कितनी बार मिल चुका है, 2 बार मिला, भौतिक में मिला और रसायन मिला। केबीसी का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद जॉन बर्डिन है, जिनको भौतिकी, 2 बार भौतिकी मिला सन 1956 में 1972 में। हेंड्रिक सेंगर केमिस्ट्री में 2 बार मिला, 1958-1980, याद रखना 1958-1980। दो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको 2 बार रसायन में मिला हुआ है वो कौन है, हेंड्रिक सेंगर है। क्वेश्चन अपडेट कर सकता है, आपसे पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं। लिनस पॉलिंग एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको रसायन में मिला, शांति में मिला, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनको शांति में मिला और रसायन में मिला सर 1954 में 1962 में। तो ये 2 बार लिनस पॉलिंग को मिला, मतलब ये 4 ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है। इन लोगों को कुल 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखो कि ये नोबेल पुरस्कार कौन कौन प्रदान करता है। तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, ये स्वीडिश गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसका नाम है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ये भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। इसके बाद द कैरोलिना इंस्टीट्यूट जो है ये चिकित्सा का प्रदान करती है। और इसके बाद नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये याद रखना एकमात्र शांति का पुरस्कार, एकमात्र शांति का नोबेल ये स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता। याद रखना, क्या मैंने बताया कि शांति का नोबेल, एकमात्र शांति का नोबेल जो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, इसे प्रदान किया जाता है। ये नीचे देखो लिखा हुआ शांति का नोबेल, मैंने लिखा है कि नॉर्वे की ओस्लो, जो राजधानी है नॉर्वे की, उस कैपिटल क्या है, ओस्लो, याद रखना नॉर्वे की कैपिटल जो राजधानी है ओस्लो, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। जबकि ये जो 5 अन्य हैं ये सब कहाँ दिए जाते हैं, तो ये स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मैंने एक चीज लास्ट टाइम और बताई थी कि शुरुआत में जब ये तुम्हारे नोबेल अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल थे, उनकी वसीयत के आधार पर कितने क्षेत्रों में शुरू किया गया, तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर कुल 5 क्षेत्रों में शुरू किया गया था,
जिसमें कौन सा नहीं दिया जाता था, तो आपको पता है अर्थशास्त्र का ये नहीं दिया जाता था, ठीक है ना, इसको तो बाद में शुरू किया गया। तो ये किसकी बात कर रहे थे, ये है हमारा नोबेल पुरस्कार जो कितने बार मिला, दो, और कौन प्रदान करता है, तो ये देती भौतिकी, भौतिकी का मतलब भौतिक रसायन अर्थशास्त्र साहित्य का देता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। इसके बाद द करोलोना इंस्टीट्यूट चिकित्सा का देता है, मेडिकल के क्षेत्र के देता है, और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ये नॉर्वे गवर्नमेंट देती है शांति का, ठीक है ना, शांति का, एकमात्र शांति जो कहां नहीं मिलता है, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से में नहीं दिया जाता, इसे दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता, ठीक है ना। इसके बाद अब जब इसमें क्या मिलेगा, मतलब अगर किसी को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो उसमें क्या मिलता है, तो $1.2 मिलियन या जिसको बोलते 8 मिलियन क्रोना, क्रोना में ही दिया जाता है, या फिर अगर इंडियन मुद्रा, भारतीय मुद्रा में बात करेंगे तो 7.6 करोड़ रुपए लगभग दिए जाते हैं। एक स्वर्ण पदक मिलता है और एक डिप्लोमा मिलता है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। इसके बाद वो भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो उसके लिए ट्रिक याद कर लीजिए आप, छोटी सी है, दो चार बार रिपीट करने पड़ेगा, याद हो जाएगा कि रविंद्र सर हर मदर से आप ना बात करो अभी, रविंद्र सर हर मदर से ना बात करो आप अभी, ऐसे आप ना बात करो अभी ऐसे याद कर सकते हैं, इसको 4-5 बार रिपीट करना पड़ेगा, मैंने बनाया तो अभी उतना क्लियरली नहीं बोल रहा हूं कि, लेकिन आप जब इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये आने लगेगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर सन 1913 में मिला है, याद रखेंगे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए मिला, प्रथम भारतीय या प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति थे ये, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर सन 1913 में, इनकी रचना याद रखना, लिख लेना इस रचना का नाम, लिख लेना, इनकी रचना है गीतांजलि, कौन सी है, गीतांजलि, और आपको पता है हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो भी कहां से लिया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उस रचना का नाम है गीतांजलि, गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है, और गीतांजलि में ही जन गण मन हमारा राष्ट्रगान भी उसी से लिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है सर, देखो रविंद्र सर, सर से है सर चंद्रशेखर रमन, सन 1930 चंद्रशेखर रमन जानते हो, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव जो है ना, रमन इफेक्ट जो प्रकाश के किरणों के बारे में बताया गया, एक माध्यम से जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके मार्ग में या उसके प्रकाश के, प्रकाश में जो विचलन आता है उसके बारे में पूरा अध्ययन करके बताया किसने, चंद्रशेखर रमन, जो रमन इफेक्ट है फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में बताया गया। फिर अगला दिया गया हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना को सन 1968 में प्रदान किया गया, हरगोविंद खुराना प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बात करी, तो ये आप पढ़ सकते हैं प्रोटीन संश्लेषण की बात करी हरगोविंद खुराना, उसके लिए इनको दिया गया। मदर टेरेसा सन 1979 मदर टेरेसा को शांति का दिया गया, ओटोमन साम्राज्य की रहने वाली थी, याद रखना होगा, बाद में कोलकाता में रहने लगी, ये शांति का कार्य करती थी, लोगों की सेवा करने सामाजिक कार्य करती थी, तो इसके लिए मदर टेरेसा को सन 1979 को क्या दिया गया, शांति का पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा सुना होगा, इसके लिए फिजिक्स के लिए इनको दिया गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। इसके बाद अगला दिया अमृत सेन सन 1998, अमृत सेन को 1998 में दिया गया, तो 1998 में कैसे याद करेंगे, तो 1990 याद हो जाएगा और आपको याद होना चाहिए, अमृत सेन अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें अर्थशास्त्र का मिला, तो अमृत सेन को मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्र की रचना के लिए, इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र की रचना की थी इन्होंने, इसलिए अमृत सेन को 1998 में प्रथम ये भारतीय जिन्हें क्या दिया गया, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद अगले हैं वीएस नायपाल, ये इंग्लैंड में रहते थे, है ना, लंदन में। इसके बाद वेंकटेश रामचंद्रन, वेंकटेश रामचंद्रन को क्या दिया गया, वेंकटेश रामचंद्रन को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया, और किस क्षेत्र का दिया गया, तो याद रखना इनको केमिस्ट्री का दिया गया था, रसायन का दिया गया, और इनको क्यों दिया गया, तो इनको ये राइबोसोम सुना होगा, राइबोसोम आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी वेंकटेश रामचंद्रन, इसलिए इनको सन 2009 में, कब 2009 में प्रदान किया गया। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी 2014 अभी हमारे साथ रिसेंट में हुआ तो ये तो याद ही होगा, तो कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में दिया गया, और ये क्यों दिया गया, तो बचपन बचाओ, इन्होंने एक अभियान चलाया था बचपन बचाओ, छोटे बच्चों की मदद करते हैं जो किडनैपिंग हो जाती है, तो उसके खिलाफ इन्होंने ये कार्य करते हैं, उसके खिलाफ कार्य करते हैं, तो उसी के लिए क्या मिला इनको, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई, नाम सुना होगा पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, स्वात घाटी स्वात प्रांत की रहने वाली हैं, तो
कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफ जई जो नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति व्यक्ति महिला या पुरुष नहीं, मैं क्या बोला, व्यक्ति पुरुष और महिला में सबसे कम उम्र में किसे मिला था, तो इन्हीं के साथ कैलाश सत्यार्थी के साथ जिनका नाम था मलाला यूसुफ जई, उनको सन 2014 में नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था महिलाओं की या लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें भी नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद अंतिम है, अभी से याद करें, अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी 2019 में इनको दिया गया। इनकी वाइफ का नाम याद रहा, एस्थर डुफ्लो, डुफ्लो जो एस्थर डुफ्लो है, इनको काय के लिए दिया गया, इनको साथ में ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बात समझ ना। इसके बाद अब देखो, ये तो अभी हम बात कर रहे थे जिनके जो जो भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, अब बात करने वाले हैं 2019, 2019 में सबसे पहले दिया गया रसायन का, क्यों दिया गया, लिथियम बैटरी के लिए, लिथियम बैटरी जो इन्होंने डिस्कवर की थी, जो आज फोन में ज्यादातर देखो लिथियम बैटरी का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप में होने लगता है, हमारे टीवी में भी लगने लगा है, हमारे फोन में इन लिथियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम बैटरी के लिए दिया गया 3 लोगों को, जॉन गुडइनफ, अकीरा योशिनो और एम स्टेनली विटिंगम, विटिंगम इन 3 लोगों को दिया गया। तो याद करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऊपर का नाम जॉन अकीरा स्टेनली, जॉन अकीरा स्टेनली, जितनी आप स्पीड से याद करेंगे याद हो जाएगा, जॉन अकीरा स्टेनली, जॉन अकीरा स्टेनली, जॉन अकीरा स्टेनली, तो ये याद करें आप स्पीड से आपको याद हो जाएगा। तो जॉन सबसे पहले, जॉन गुड इनफ है, दूसरा अकीरा योशिनो है, और तीसरे कौन है, एम स्टेनली विटिंगम। तो इन 3 लोगों को कह दिया गया है, तो इन्हें इन तीनों को लिथियम बैटरी के विकास के लिए, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें से जो गुड जॉन गुड इनफ है ये यूएसए के रहने वाले हैं, अकीरा ये अश्विनों से पता चल रहा होगा ये जापान के रहने वाले हैं, जापान के रहने वाले हैं, और एम स्टेनली विटिंगम जो है ये यूके के रहने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद 2019 का भौतिकी का 3 लोगों को मिला है, जेम्स पीबल्स को मिला है, मिशेल मेयर को मिला है, और डिडियर क्लुविस क्विलोज को मिला है, ठीक है ना। तो क्विलोज को मिला, 3 लोगों को मिला है, तो जेम्स मिशेल डिडियर याद कर लीजिए, जेम्स मिशेल डिडियर, जेम्स मिशेल डिडियर एक नाम बन जाएगा, याद हो जाए, जैसे यहां याद कर रहे थे जॉन अकीरा स्टेनली, जॉन अकीरा स्टेनली इधर से याद कर लो, और उधर से जेम्स मिशेल डिडियर याद कर लो, जॉन अकीरा स्टेनली, और वहां से क्या है, जेम्स मिशेल डिडियर याद कर लो और याद हो जाएगा। तो 3 लोगों मिला बहुत भौतिकी का दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद चिकित्सा का दिया गया, चिकित्सा का मिला 3 लोगों को भी, विलियम ग्रेग पीटर, इसमें भी देखो याद करने के लिए, इसका क्या याद करें, जॉन अकीरा स्टेनली, यहां से जेम्स मिशेल डिडियर, और यहां से विलियम ग्रेग पीटर, विलियम ग्रेग पीटर, विलियम ग्रेग पीटर। तो ये जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि विलियम केएल जूनियर, केलियन जूनियर नाम है इनका पूरा नाम, विलियम केलियन जूनियर, दूसरा है ग्रेग एल सेमेंजा, और तीसरे हैं सर पीटर रेडक्लिफ। रेडक्लिफ तो बहुत ही आराम से याद हो जाए, चिकित्सा का पाकिस्तान की हमारी जो लाइन है वो भी तो रेडक्लिफ ही है, ठीक है ना। तो सर पीटर रेडक्लिफ जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटेन से ही वो भी आया था, तो ब्रिटेन के हैं, तो विलियम केलिन जूनियर का, ग्रेग एल सेमेंजा जो दोनों लोग यूएसए के रहने वाले, और सर पीटर रेडक्लिफ जो कहा के रहने वाले हैं वो ब्रिटेन के रहने वाले, तो ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसको मिला, चिकित्सा का, कैंसर और एनीमिया के इलाज के लिए इनको मिला हुआ है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का मिला 3 लोगों को, जिसमें से 2 लोग तो आपको पता है, अभिजीत बनर्जी तो ये पता ही है, एस्तर और डुफ्लो तो याद हो जाएंगे, ये तो वाइफ ही है किसकी, अभिजीत की पत्नी है जिनका नाम है एस्तर डुफ्लो, जिन्होंने 2015 में इन्होंने शादी की, पहले लिव इन रिलेशन में रहे और बाद में क्या कर ली, बाद में इन्होंने शादी कर ली, तो इनका नाम याद रखें, अभिजीत बनर्जी और एस्तर डुफ्लो को मिला। दूसरा है माइकल रॉबर्ट क्रेमर, और माइकल रॉबर्ट क्रेमर को यूएसए के रहने वाले, माइकल रॉबर्ट क्रेमर इनको यूएसए के हैं, जबकि ये जो एस्तर डुफ्लो हैं ये फ्रांस और यूएसए की हैं, फ्रांस की, फ्रांसीसी मूल की हैं, यूएसए में रहती हैं, ठीक है ना। इसके बाद शांति का याद कर लेंगे, अबी अहमद अली, अबी अहमद अली शांति का मिला हुआ है, ये इथोपिया के पीएम है, जो साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, वहां जो इथोपिया पड़ता है, इथोपिया के अबी अहमद अली को दिया गया है। एक बात और याद रखना, इनको इथोपिया का नेल्सन मंडेला कहा गया है, इनको इथोपिया क्या कहा जाता है, तो इन्हें इथोपिया का नेल्सन मंडेला कहा गया। नेल्सन मंडेला जानते होंगे, साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, 20 साल तक जेल में भी रहे थे, है ना। तो ये
इन्हें क्या बोला गया है, अभी अहमद अली को नेल्सन मंडेला भी कहा जाता, कहां का, इथोपिया का नेल्सन मंडेला, जो इथोपिया के वर्तमान अभी पीएम भी है, ठीक है ना, इतना याद रखना है। इसके बाद साहित्य का मिला है, साहित्य का देखो 2018 में सिर्फ 5 क्षेत्रों का मिला था, साहित्य का नहीं दिया गया था, लेकिन 2018 का इस बार साहित्य का भी प्रदान किया गया है। 2018 का साहित्य का किसे मिला है, तो 2018 में जो 18 का था इस बार दिया गया है, उनका नाम है ओल्गा टोकारजुक। क्या नाम है, ओल्गा टोकारजुक, पोलैंड की एक फीमेल है, याद रखना ये एक फीमेल महिला है, ओल्गा टोकारजुक, जो कहां के रहने वाले हैं, ये पोलैंड के रहने वाले हैं, ओल्गा टोकारजुक, 2018 के लिए प्रदान किया गया, 2018 में नहीं दिया गया। आपने सुना होगा एक मीटू अभियान चला था, उसके मीटू अभियान जो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा था, जो उनके साथ शोषण हुआ, उसके विरुद्ध आवाज उठ रही थी, तो उसमें साहित्य का जो प्रदान करते हैं उनका भी नाम आया था, इसलिए नहीं दिया गया था। तो ओल्गा टोकारजुक 2018 के लिए पोलैंड के हैं, इनको दिया गया है, ठीक है ना। और पीटर हैंड के, पीटर हैंड के ऑस्ट्रिया के हैं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं पीटर हैंड के, इनको 2019 का दिया गया, ऑस्ट्रिया के रहने वाले, ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले, जिनका नाम है पीटर हैंड के, तो हैंड के इनको 2019 का साहित्य का नोबेल दिया गया। तो ये सभी नाम आप लिख लीजिए, इनको लिख करके आगे इनके बारे में पढ़ते रहिए, आप जितना ज्यादा इस पर रिविजन करेंगे उतनी जल्दी तैयार होगा। और मैं कुछ अब कोई नया टॉपिक लेकर आऊंगा, अब कुछ अलग तरह का भी लाऊंगा, ये तो चलता ही रहेगा, आपका करंट का तो जो पार्ट है वो तो बीच बीच में आता रहेगा, लेकिन आपको साहित्य जो आपका और भी है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उससे भी मैं बहुत जल्दी जल्द आपको रिलेट कराने वाला हूँ, आपसे जोड़ने वाला हूँ, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन आकर के पढ़ सकते हैं, अगर मेरे से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप अनएकेडमी पर आकर के जितनी जल्दी हो कोर्स ले सकते हैं, हमारा रेफरल कोड यूज कर लो और मेरा रेफरल यूज करके क्या कर सकते हैं, आप अनएकेडमी पर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।